बीजेपी हाईकमान ने गुरुवार देर रात 12 बजे एक आदेश जारी कर राजस्थान की सियासत में बड़ा फेरबदल किया और राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर शुक्रवार को दिन भर दिल्ली में नेताओं से मुलाकात करते रहे। सुबह वेस्टर्न कोर्ट गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं की शुभकामनाओं का दौर चला और फिर वो सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे, जहां जोशी ने उनका साफा पहनाकर और दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। इस दौरान राठौर बोले कि जोशी से अनुभव और गुरु मंत्र लेने आया हूं। इसके बाद सीधे संसद पहुंचे और वहां कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। फिर राठौर एक मीडिया इंटरव्यू में बोले कि सत्ता और संगठन में सामंजस्य बना रखना उद्देश्य होगा। आम कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। संगठन की मौजूदा टीम के अनुभव के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं जब राठौर से पूछा गया कि राजस्थान में बीजेपी के 11 लोकसभा सीटें हारने के पीछे क्या कारण मानते हैं, तो वो बोले कि चुनाव में कांग्रेस ने भ्रम पैदा किया, आरक्षण को समाप्त करने, संविधान को बदलने का भ्रम फैलाया। अब कोई 50 बार झूठ बोलेगा तो स्वाभाविक है कि जनता थोड़ा बहुत उसके भ्रम में फंस जाएगी। प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है। तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर करते हुए समाज को तोड़ने का षड्यंत्र किया है। जनता के सामने अब इनकी पोल खोलने का काम होगा। अब सियासी सर्जरी कैसे करेंगे, क्या नई टीम बनाएंगे? राठौर ने जवाब देते हुए बोले कि पुरानी और मौजूदा टीम के अनुभव और राय के आधार पर आगे बढ़ेंगे। सभी लोगों को साथ लेकर पार्टी की एकजुटता और मजबूती के लिए काम करेंगे। नए लोगों को विचार से जोड़ने पर फोकस रहेगा। जब मदन राठौर से उपचुनाव को लेकर पूछा गया कि उपचुनाव में 5 सीटें जीतने की चुनौती रहेगी, तो राठौर बोले कि चुनौतियों को स्वीकार करके ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। उपचुनाव में जो भी चुनौती होगी उसे दूर कर जीत का परचम फहराएंगे। जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी गारंटी पर भरोसा है। बीजेपी के अंदर गुटबाजी को लेकर मदन बोले कि राजस्थान में भाजपा एकजुट है, किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। सीपी जोशी ने जो टीम तैयार की उसके अनुभव का फायदा मिलेगा। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी मीडिया। शुक्रिया।